हेलो नमस्कार आदाब सलाम सत श्री अकाल केम छो कसे काय केरो हाल है केना छी अहाँ सब कैसन वानी हाउ आर यू कैसे हैं आप लोग केवो नाचो मनक काम खम्मा गनी हुकुम केमती अच्छंती की खबर। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, दुरुस्त होंगे और आपका समय बहुत मजे में बीत रहा होगा। देवी और सज्जनों, आज के इस वीडियो में मैं वृषभ राशि फल मई 2022 के बारे में बताने जा रहा हूं कि ये आने वाला महीना वृषभ राशि का कैसा बीतने वाला है, इस महीने में आपके साथ क्या ऐसी चीजें हैं जो अच्छी होने जा रही हैं और क्या ऐसी चीजें हैं जो बुरी होने जा रही है, किस तारीख से किस तारीख तक का समय आपके लिए बढ़िया रहेगा और किस तारीख से किस तारीख तक का समय आपके लिए विपरीत रहेगा। देवी और सज्जनों, हमारा जो ये वीडियो है, पहले जो आप हमारे चैनल का राशिफल देखते थे उसमें ये सिस्टम था कि मैं चंद्रमा के अलावा सभी आठों ग्रहों को बोर्ड पर में डाल देता था, आपके गोचर कुंडली में बैठा देता था और फिर उसका फलादेश मैं आपको बताता था। लेकिन इसमें हमारे पास में बहुत शिकायत आने लगी, आप लोगों का कमेंट आने लगा, व्हाट्सएप पे मैसेज आने लगे कि गुरुजी आप एक तरफ बताते हो कि ये ग्रह आपको इस समय में बहुत अच्छा फल देने वाले हैं और दूसरी तरफ आप उसी समय में बताते हो कि ये ग्रह आपके लिए विपरीत रिजल्ट देने वाले हैं। इस भाव को मैंने बहुत बार समझाने की कोशिश की लेकिन आप में से बहुत सारे सब्सक्राइबर व्यूअर ऐसे थे जो इन भाव को समझ नहीं पाए, इसीलिए फिर मैंने एक निर्णय लिया कि जो मासिक राशिफल बनाने का सिद्धांत है, पौराणिक नियम है, उसी के आधार पर मैं आपको मासिक राशिफल बताया जाए। और मासिक राशिफल बनाने का एक ही नियम है कि सूर्य के गोचर के आधार पर में मासिक राशि फल का निर्णय लिया जाए। देवी और सज्जनों, इसीलिए आज वृषभ राशि के कुंडली में आप बोर्ड पर में देख रहे होंगे कि सिर्फ दो जगह मेष राशि में और वृषभ राशि में, यानी कि आपके कुंडली के 12वें भाव में और एकादश भाव, 12वें भाव में और प्रथम भाव में सिर्फ सूर्य लिखे हुए हैं। इसका अर्थ यह है कि 15 मई 2022 रविवार को 5:44 सुबह सुबह सूर्यदेव वृषभ राशि में आपके कुंडली के प्रथम भाव में प्रवेश करेंगे। 15 मई 2022 रविवार 5:44 से पहले पहले तक, यानी कि 5:43:59 तक सूर्यदेव आपके कुंडली के 12वें भाव यानी कि मेष राशि में ही रहेंगे, यानी कि 15 दिन सूर्यदेव आपके कुंडली के 12वें भाव में रहेंगे। महीने के प्रथम 15 दिन और महीने के अंतिम 15 दिन में सूर्यदेव आपके कुंडली के प्रथम भाव में रहेंगे। इसका क्या परिणाम होगा, क्या रिजल्ट होगा, इसको समझने का आप प्रयास करेंगे, फिर आपको एक एक करके सब कुछ समझ में आने लगेगा। मैं आपको बता दूं कि हमारे जितने भी नए व्यूअर हैं वो सुन लें कि आज से पहले आज तक जितनी भी आपने जिंदगी में राशिफल की वीडियो देखी, आज तक ऐसी कभी भी विश्लेषण आपने नहीं देखी होगी, ये मेरा वादा है आपसे। कहीं भी पूरे गूगल पर में, यूट्यूब पर में इतना विस्तृत और तोड़ तोड़ के एक एक शब्द को समझाया हुआ ऐसा विश्लेषण है ही नहीं, चाहे आपने मुफ्त में जानकारी ली हो या पैसे दे करके, फिर भी आपको ऐसी जानकारी कभी नहीं मिली होगी, चाहे उम्र आपकी 25 की हो या 75 की। आइए देवी और सज्जनों, मैं अपनी चर्चा को आरंभ करता हूं और सूर्य के द्वादश भाव में बैठने के फल से ही मैं चर्चा शुरू करता हूं। अभी जो मैं आपको बताने वाला हूं वो 15 मई से पहले पहले का है और फिर 15 मई के बाद का बताऊंगा। आपके लिए एक खुशखबरी ये है कि 17 अप्रैल को रविवार के दिन मैंने एक छोटा सा फ्री मीटिंग रखा है। अगर आपके पास में हमारी फीस को जमा करने की क्षमता नहीं है, आप हमारे फीस को नहीं दे सकते, तो 17 अप्रैल 2022 रविवार के दिन
सुबह 10 से 12 के बीच में आप जो राजस्थान के रहने वाले लोग हैं, कम से कम उसमें से जो भी लोग मुझसे मिल करके मुफ्त में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, आपके पास में ये एक मौका है। जो सुबह 10 से 12 के बीच में जयपुर सीतापुरा महात्मा गांधी हॉस्पिटल के पीछे या पास में कौटिल्या इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग के सामने मैं आपको मिलूंगा 10 से 12 के बीच में 17 अप्रैल 2022 दिन रविवार को। उसमें आपको अपनी जन्म तारीख, जन्म समय और जन्म स्थान, ये तीनों चीजें लेकर के आनी है। जिसके पास में ये तीनों चीजें नहीं होंगी वो सिर्फ चला आएगा हस्तरेखा देख करके, उसको उसके समस्या का कम से कम समाधान जरूर बता दिया जाएगा, उसके प्रश्नों का उत्तर जरूर दे दिया जाएगा। आइए अब हम अपनी चर्चा को आरंभ करते हैं और एक एक करके सभी विषय बिंदु पर आपको समझाने का प्रयास करता हूं। देवी और सज्जनों, सूर्य उच्च के आपके कुंडली के 12वें भाव में 15 मई तक रहेंगे। उच्च का सूर्य 12वें भाव में बैठने का सबसे पहला शुभ संकेत आपके लिए यह है कि 15 मई से पहले पहले अगर आप विदेश जाने की इच्छा रखते हो, अगर आपका विदेश से कहीं से कोई कनेक्शन है, अगर आप वहां से कुछ धन अर्जन करना चाहते हो, कुछ लाभ लेना चाहते हो, यानी कि कहने का अर्थ ये है कि विदेश से, दूसरे देश से, जिस देश में, जिस धरती पर में आपका जन्म हुआ है उस देश को छोड़ के किसी भी दूसरे देश से अगर आपका कुछ कनेक्शन है तो आपको अवश्य लाभ मिलेगा। ये सूर्य के उच्च होने का 12वें भाव में पॉजिटिव रिजल्ट है। मित्रों, ये एक पॉजिटिव रिजल्ट है। दूसरा इसका पॉजिटिव रिजल्ट ये है कि इस भाव में उच्च का सूर्य रहने के कारण खर्चा तो आपका बढ़ जाएगा, खर्चे में कमी नहीं होगी, खर्चा आपका निश्चित तौर पे बढ़ जाएगा, पैसा ज़्यादा से ज़्यादा खर्च होगा। लेकिन पॉजिटिविटी इसमें इतना ही है कि वो जो पैसा खर्चा होगा वो पैसा आपका बर्बाद नहीं होगा, वो पैसा एक उचित और सही चीज़ों में वो जाएगा जिसके माध्यम से आपको उसका सही और समुचित लाभ जो है सो प्राप्त होगा। देवी और सज्जनों, ये जो 12वां भाव है, जैसा कि आपको पता ही होगा, कई बार हमने अपने वीडियो में इसकी चर्चा की है कि ये भाव मोक्ष का होता है। आखिर मोक्ष क्या है? न कुछ खोने का डर, न कुछ पाने की इच्छा, इसी को मोक्ष कहते हैं। मोक्ष उसी व्यक्ति को मिल सकता है जो व्यक्ति इस दुनिया से, इस संसार से अपने भाव को विरक्त कर चुका है। अगर उसके मन में ये डर नहीं है कि ये जो मेरा मकान है मेरे हाथों से निकल जाएगा, आज जो मेरी शोहरत है, रुतबा है, जलजली है, पद है, प्रतिष्ठा है, चला जाए, उसका मोह नहीं है, तो मोक्ष उसी को प्राप्ति हो सकती है। लेकिन इस समय में हम लोग मोक्ष की चर्चा नहीं कर रहे, हम लोग इस चीज की चर्चा कर रहे हैं कि इस समय में आपके मन में सांसारिक भाव में, स्थिति में रहते हुए भी आपके मन में सूर्यदेव विरक्ति का भाव उत्पन्न कर देंगे। आपको ऐसा लगेगा कि अगर आपका आज 500 रुपया चला भी गया तो विशेष तकलीफ नहीं होगी, अगर आज आपका 5000 नुकसान भी हो गया तो विशेष तकलीफ नहीं होगी, अगर आपको विदेश से 5 लाख रुपया मिल भी गया तो बहुत ज़्यादा प्रफुल्लित होकर के, बहुत ज़्यादा जो है उत्साहित, अति उत्साहित नहीं हो जाओगे। ये सूर्य के यहाँ बैठने का पॉजिटिव परिणाम है। देवी और सज्जनों, आपको मैं बता दूं कि ये जो 12वां भाव है आपके सैया सुख का भी होता है, जो आपका बिस्तर का सुख है उसका भी भाव ये 12वां ही होता है। जिसके कारण से सूर्य देव क्योंकि उच्च के हैं इसलिए उचित बिस्तर के सुख मिलने का, सैया के सुख मिलने का, सही नींद लेने का आपको इस समय में आनंद की प्राप्ति निश्चित तौर पर में होगी। इसमें कहीं से कोई दो राय की बात नहीं है,
जरा सा भी शंका नहीं है। मित्रों, ये जो बारहवां भाव है आपके सिर्फ सैया सुख का ही नहीं है, ये धन हानि का भी भाव है। अब सूर्य देव का एक तरफ आपने पॉजिटिव रिजल्ट देख लिया, अब दूसरे तरफ थोड़ा सा इनका नेगेटिव रिजल्ट भी देखने का प्रयास करो। ये जो बारहवां भाव है वो धन हानि का भी होता है देवी और सज्जनों, जिसके कारण से सूर्य देव के कारण इस समय में आपको कुछ धन हानि भी देखने को मिलेगा। इसमें कहीं से कोई शंका की आवश्यकता नहीं है। आपको धन हानि होगा, आपका पैसा जाएगा, लेकिन बस फायदा इसमें इतना ही है कि पैसा जहां पर मैं 100 रुपए का धन हानि होना चाहिए था वहां पर मैं आपका 5 रुपए, 10 रुपए, 50 रुपए में आपका काम जो है सो निकल जाएगा। फायदे में फायदे सिर्फ आपके यही है, लेकिन इसका अर्थ ये कतई नहीं है कि आपका नुकसान नहीं होगा। नुकसान निश्चित तौर पर में होगा, लेकिन कम होगा। देवी और सज्जनों, मैं आपको बता दूं कि ये बारहवां भाव आपके अस्पताल के खर्चों का भी होता है, जिसके कारण से सूर्य देव के कृपा से अस्पताल का खर्चा तो होगा लेकिन कम होगा। आप कहोगे क्यों कम होगा, इसका क्या कारण है? तो इसका कारण ये है कि सूर्य देव इस समय में आपको उच्च के द्वादश भाव में बैठे हुए हैं, बस यही एक कारण है, दूसरा कोई कारण नहीं है। इसलिए खर्चा तो होगा लेकिन कम होगा, बहुत ज्यादा नुकसान नहीं होगा। ये जो बारहवां भाव है देवी और सज्जनों, आपके आंखों का भी होता है। आपका जो ये आंख है उसका भी भाव ये बारहवां ही होता है, जिसके कारण से आपको आंख से संबंधित कुछ परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, जिसके कारण से आपको कुछ नेत्र रोग की समस्या जो है सो परेशान कर सकती है। जो लोग पहले से ही आंख से संबंधित परेशानी से जूझ रहे हैं उनको मैं बता दूं कि उनको इस समय में कुछ हल्का फल्का ही सही, लेकिन विशेष परेशानी की अनुभूति होगी, विशेष परेशानी उनको झेलना पड़ेगा। ये जो बारहवां भाव है देवी, कहते हैं कि सब कुछ आपके पास में है, दुनिया का सारा सुख है, स्त्री है, पुत्र है, विद्या है, धन है, मकान है, गाड़ी है, बंगला है, सब कुछ है आपके पास में, लेकिन अगर आपको ये नयन नहीं है, नयन नहीं है, कहते हैं कि नयन बिना ये जग सूना, आंख के बिना ये जो संसार है, ये जो दुनिया है वो सूना सूना सा लगता है, उसका आप सब कुछ होते हुए भी पूरा लुफ्त नहीं ले सकते, पूरा लाभ नहीं ले सकते। ये नयन का, ये आंख का जो है देवी और सज्जनों प्रभाव है। आपको मैं बता दूं कि ये जो बारहवां भाव है वो मृत्यु का भी होता है। आखिर किसकी मृत्यु? आपकी मृत्यु क्या? नहीं, आपकी मृत्यु नहीं, आपके रिश्तेदार, आपके ननिहाल में, आपके पड़ोसी में, आपके जानने वालों में किसी की मृत्यु भी 15 मई से पहले पहले हो सकती है। ये प्रभाव किसका है? तो ये प्रभाव है, ये प्रभाव है उच्च के सूर्य देव का, किसी के मृत्यु का भी ये कारण बन सकते हैं। उच्च के सूर्य की 7वीं दृष्टि, यहां से गिनती करोगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, ये जो भाव है जहां पर मैं 7 लिखा हुआ है वहीं से 7वां घर हो गया सूर्य की दृष्टि का, जिसके कारण से देवी और सज्जनों आपको मैं बता दूं कि सूर्य देव जो हैं सो आपके ये छठा भाव जो है आपके दुश्मन का होता है, आपके दुश्मनों के द्वारा आपको परेशान भी करवाएंगे, कुछ दुश्मन आपको परेशान करने की कोशिश भी कर सकता है।
नहीं, लेकिन क्योंकि उच्च के सूर्यदेव हैं तो दुश्मन से परेशानी तो होगी, दुश्मन परेशान तो करेगा, लेकिन आपका विशेष प्रभाव भी उसके ऊपर में हावी हो जाएगा। आपकी विशेष स्थिति भी जो है आप उसके ऊपर में आप स्थापित कर दोगे, जिसके कारण से आपको मैं बता दूं कि ये जो सूर्यदेव हैं कहते हैं कि दुश्मन परेशान करे ठीक है, लेकिन फिर भी अगर अंतिम में दुश्मन पर में अगर विजय प्राप्त हो जाए तो वो विशेष स्थिति है, विशेष बात है। तो वही विजय सूर्यदेव आपको यहां पर में दुश्मन पर में प्राप्त करवाने वाले हैं, यही महिमा है सूर्यदेव की। और उसमें भी उच्च के सूर्यदेव हैं ये, तो उच्च के सूर्यदेव के कारण ही आपको दुश्मन परेशान तो करेगा लेकिन उस पर में विजय प्राप्त आपकी होगी। ये जो छठा भाव है देवी और सज्जनों, आपके चिंता का भी होता है, जिसके कारण से सूर्यदेव के कारण आपको कुछ चिंता की भी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। आप किसी न किसी बात को लेकर के, किसी न किसी कारण को लेकर के 15 मई से पहले पहले चिंतित रह सकते हैं, चिंता आपको परेशान कर सकती है। कहते हैं कि चिंता चिता समान, चिंता से चतुराई घटे, दुख से घटे शरीर। यानी कि चिंता अगर आपको ज़्यादा घेरने लगे तो आप ये समझ जाना कि आपकी बुद्धि जो है अब धीरे धीरे कमज़ोर होती चली जाएगी, क्योंकि ये किसका प्रभाव है, तो ये प्रभाव है छठे भाव के एक्टिवेट होने का। इसीलिए आपको हमेशा ये सोच रखना चाहिए, हमेशा ये प्रयास करना चाहिए कि बिना मतलब के फालतू के चीज़ों पर में कम मस्तिष्क लगाया जाए, कम दिमाग लगाया जाए, नहीं तो आपके चिंता को ये बढ़ा करके रख देगा। और जब ही चिंता बढ़ेगी तो दिमाग कमजोर होगा, दिमाग कमजोर होगा तो बुद्धि कमजोर होगी, बुद्धि कमजोर होगी तो आपकी चतुराई निश्चित तौर पे घट जाएगी। इसीलिए आपको चाहिए कि चिंता को हमेशा, कहते हैं कि चिंता चिता समान, चिंता जो है सो चिता के समान है, लाश के समान है, इसीलिए आपको उससे हमेशा अपनी रक्षा करनी चाहिए, उससे हमेशा आपको बच के रहना चाहिए, नहीं तो ये आपको भारी नुकसान पहुंचा देगा। देवी और सज्जनों, मैं आपको बता दूं कि ये जो छठा भाव है चिंता के अलावा आपके रोग का भी होता है, यानी कि आपके हेल्थ वाइज इशू का भी भाव जो है सो यही होता है। विशेष करके खास करके पेट से संबंधित परेशानी का भाव यही होता है। सूर्य के उच्च दृष्टि के कारण यहाँ पर में फायदा और नुकसान दोनों होगा। फायदा ये होगा कि रोग परेशान करेंगे लेकिन सूर्यदेव की उच्चतम दृष्टि के कारण, उच्च रहने के कारण इस रोग का नाश भी होगा। कब तक? 15 मई तक, यानी कि सूर्य की सातवीं दृष्टि जो है छठे भाव में पड़ने के कारण आपको, सूर्य की दृष्टि के कारण आपके शरीर में जो रोग उत्पन्न होगा, कहते हैं कि देने वाले भी आप ही हो और लेने वाले भी आप ही हो। अर्थात इस लाइन से मैं ये समझाना चाहता हूं कि उस बीमारी को देने का कारण भी सूर्य देव ही बनेंगे, और क्योंकि उच्च के हैं तो उस बीमारी के नाश का कारण भी सूर्य देव ही बनेंगे। इस सृष्टि के रचने वाले भी आप ही हो और इस सृष्टि को नाश करने वाले भी आप ही हो, नहीं
यही वही वो ईश्वर है जो इस सृष्टि को बनाता है, और वही वो ईश्वर है जिसके इच्छा शक्ति मात्र से इस सृष्टि का नाश हो जाता है। तो सूर्य देव के कारण यहाँ पर में दो लाभ आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहला कि चिंता तो आएगी लेकिन उस चिंता का नाश हो जाएगा, वो चिंता आपका विशेष कुछ बिगाड़ नहीं पाएगी। रोग तो आएंगे लेकिन सूर्यदेव के उच्च के होने के कारण उस रोग का भी नाश हो जाएगा, वो रोग जो है आपका समाप्त तो हो जाएगा। ये लाभ है आपको। मैं बता दूं कि ये जो छठा भाव है देवी और सज्जनों, रोग के साथ साथ आपके ऋण का भी होता है। ज्योतिष गण भी हमारे वीडियो को देखते हैं बहुत ज़्यादा, तो उन लोगों को बता दूं कि आप ये समझ लो कि जिंदगी में जब भी किसी जातक की कुंडली देखो और उसमें उसके कर्ज का निर्णय लेना हो कि क्या ये व्यक्ति कर्ज में चला जाएगा, ऋण में चला जाएगा, कर्ज इसको वापस करने में बहुत परेशानी आएगी, क्या इसको लोन मिलेगा, इन सब का जब भी विचार करना हो तो इसके लिए ये छठा भाव है जहाँ से आप आसानी से विचार कर सकते हो। इस समय में सूर्यदेव के उच्च बैठने के कारण 12वें भाव में कर्ज में जाने का योग तो बन रहा है, लेकिन अगर आप लोन वगैरह लेना चाहते हो तो लोन आप ले सकते हो। इस समय में अगर लोन के लिए आप अप्लाई करोगे, लोन के फील्ड में जाओगे, लोन के लिए प्रयास करोगे, तो सूर्य देव की दृष्टि के कारण 15 मई से पहले पहले अगर जोरदार प्रयास रहा तो आपको लोन मिल जाएगा। ये प्रभाव किसका है? तो ये सूर्यदेव का प्रभाव है। जो लोग पहले से कर्ज में हैं, उनको थोड़ी सी परेशानी का जो है विशेष सामना करना पड़ेगा, लेकिन कर्ज में रहने का अर्थ ये कतई नहीं है कि आप कर्ज में हो तो किसी के सामने हाथ फैला दो, किसी के पास चले जाओ। अगर आप ऐसा करते हो तो आप अपने आत्मसम्मान को मिट्टी में मिलाते हो। आपकी जो अपनी रुतबा है, पर्सनालिटी है, आपका जो स्वाभिमान है, उसको आप मिट्टी में मिला रहे हो, तो आपको ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। तुलसीदास जी ने भी रामायण में कहा है, रामचरितमानस में, कि आवत ही हर्षय नहीं, आवत ही हर्षय नहीं, नैनन नहीं स्नेह, तुलसी तहां न जाइए कंचन बरसै में। फिर से सुन लो, आवत ही हर्षय नहीं, आपके आने से जिसको जिसके घर में हर्ष की उत्पत्ति ना हो, वो जो व्यक्ति खुश ना हो, नैनन नहीं स्नेह, जिसके आंखों में आपके लिए स्नेह का भाव उत्पन्न ना हो, तुलसी तहां न जाइए कंचन बरसै में। तुलसी कहते हैं कि उस जगह पर में कभी मत जाओ, चाहे उस जगह पर में दिन और रात सोने के सिक्के की ही वर्षा क्यों न हो, सोने का सिक्का ही क्यों न लुटाया जा रहा हो, कभी भी उस जगह पर में मत जाओ, नहीं तो आपको अपना आत्मसम्मान खो के आना पड़ेगा, अपना इज्जत प्रतिष्ठा मान सम्मान खो के आना पड़ेगा। भले ही वो मंजूर है शर्त, जो आज रात में मैं बिना खाए हुए सो लूंगा, कल दिन में पानी पी के रह जाऊंगा, लेकिन ऐसे जगह पर मैं कभी मत जाओ जहां पर मैं आपके पहुंचने से उन लोगों के आंखों में सुख स्नेह और मन में हर्ष, परिवार में उनके हर्ष की उत्पत्ति ना हो। अगर आप ऐसे जगह पर में जाते हो तो आप ये मान करके चलो कि आपकी जो स्थिति है वो बद से बदतर हो जाएगी। आपको मैं बता दूं देवी और सज्जनों की ये जो छठा भाव है आपके लिए केस मुकदमे का भी होता है। अगर आप किसी प्रकार के केस मुकदमे से संबंधित परेशानी से जूझ रहे हो, आप परेशान हो, आपको केस मुकदमा परेशान किए हुए है, तो आप ये मान करके चलो कि सूर्य की उच्च दृष्टि के कारण इस समय में उसमें आपको कुछ राहत देखने को मिलेगी, कुछ राहत देखने को मिलेगी। आप ये समझ लो कि बहुत दिनों से कहीं पर मैं कोर्ट कचहरी में
केस चल रहा है, मामला आपके विपरीत ही विपरीत जा रहा था। इस समय में सूर्यदेव के उच्च होने के कारण, बारहवें भाव में बैठने के कारण स्थिति ऐसी उत्पन्न हो गई कि अब मामला हमारे पक्ष में आता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ये सूर्यदेव का शुभ प्रभाव है, नहीं तो ये सूर्यदेव के कारण जो है आपको ऐसा देखने को मिलेगा। देवी और सज्जनों, मैं आपको बता दूं कि ये जो छठा भाव है आपके पेट का भी होता है। इस समय में पेट में गैस से संबंधित कुछ परेशानी का आपको सामना करना पड़ सकता है। यहाँ पर में जो है कुछ जलन महसूस हो सकता है आपको, प्यास ज़्यादा लगेंगी आपको। पानी जितना ज़्यादा पियोगे आपके लिए इस समय में उतना ही अच्छा रहेगा, क्योंकि सूर्य की दृष्टि पेट पर पड़ गई, पेट में आग लग गया, पेट में गर्मी उत्पन्न हो गई। और बार बार आप अनुभव करोगे कि पेट में गर्मी बनती जा रही है और आप परेशानी का अनुभव करोगे। इसीलिए आपको इस समय में सूर्य के लिए कुछ उपाय करने की आवश्यकता पड़ेगी। ये जो छठा भाव है देवी और सज्जनों, आपके अपयश का भी होता है। अपयश यानी कि कलंक, आपके ऊपर में किसी प्रकार का कोई झूठा आरोप भी लगाया जा सकता है। आपके ऊपर में कोई झूठा आरोप भी लगाया जा सकता है, कलंक आपके माथे पे लग सकती है और अपयश के आप शिकार हो सकते हो। इसीलिए आपको एक एक कदम बहुत संभल के चलना चाहिए। अगर किसी महिला के साथ आपका संपर्क है तब तो आपको और भी ज़्यादा संभल के चलना चाहिए, नहीं तो अपयश आपके दरवाजे पे खड़ी है। थोड़ा सा लोगों का नज़र पड़ना है और आपको अपयश का झोली बांध करके गले में लटका दिया जाएगा, और आज से आप एक कलंकी व्यक्ति के तौर पर में जाने जाओगे। आपके पीठ पीछे सब लोग आपकी बुराई करेंगे, चर्चा करेंगे, कुछ लोग तो ऐसे होंगे जो सामने ही बोल देंगे। इसीलिए आपको ये एहसास रखना है, आपको ये सोच समझ करके कदम उठाना है। अगर आप महिला हो तो आपको किसी पुरुष के साथ ज़्यादा हिलमिल करके रहने की आवश्यकता नहीं है, नहीं तो आपके ऊपर में कलंक लगने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। ये जो छठा भाव है देवी और सज्जनों, आपके शोक और दुख का भी होता है, जिसके कारण से इस समय में कुछ छोटा मोटा शोक और दुख का भी सामना करना पड़ सकता है। लेकिन सूर्यदेव उच्च के होने के कारण वही उस शोक और दुख का नाश भी करेंगे, उसको दूर भी करेंगे, इसीलिए बहुत घबराने की आवश्यकता नहीं है। मित्रों, 15 मई को सूर्यदेव चले आएंगे वृषभ राशि में। वृषभ राशि में सूर्यदेव के आते ही आपके लिए जैसे मानो राशि में 4 चांद लग गया। 15 मई से पहले पहले आपको उपाय करने की भी आवश्यकता है। पॉसिबल हो तो प्रत्येक रविवार को, और नहीं तो प्रत्येक दिन, अगर संभव हो तो सबसे बढ़िया, सूर्य को एक लोटा तांबे के पात्र से जल दिया करो। आप कहोगे तांबा ही क्यों? तांबा की एक विशेषता है, हमारे शास्त्रों में ऐसा बताया गया है कि तांबा के बर्तन में रखा गया एक सामान्य जल भी गंगा जल के बराबर हो जाता है। उसकी जो शक्ति है वो गंगा जल के समान हो जाती है, गंगा जल नहीं, गंगा जल के समान हो जाता है। और गंगाजल जब भी हम किसी देवी देवता को चढ़ाते हैं तो वो हमसे इससे ज़्यादा प्रसन्न होते हैं, ज़्यादा खुश होते हैं, खूब प्रसन्न हो जाते हैं, मन उनका, हृदय उनका गदगद हो जाता है। मंत्र का आप एक प्रयोग कर सकते हो छोटा सा, ओम आदित्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम आदित्याय नमः। इन तीनों मंत्र का जो है सो आप प्रयोग करोगे, और 3 बार, ये एक ही मंत्र है, 3 बार जब जल दोगे तो इन तीनों मंत्र का, यानी कि 3 बार, पहली बार जल दिया ओम आदित्याय नमः, दूसरी बार जल दिया ओम आदित्याय नमः,
तीसरी बार जल्दी या ओम आदित्याय नमः बोलना है। तो हम लोग सूर्य का जो राशि परिवर्तन 15 मई को वृषभ राशि में होने जा रहा है, उसका आपके ऊपर में 15 मई से लेकर के महीने के लास्ट तक क्या प्रभाव पड़ेगा उसको समझने का प्रयास करेंगे। देवी और सज्जनों, पहला जो भाव होता है, जैसा कि आपको मालूम होगा कि आपके तन का भाव होता है, आपके शरीर का भाव होता है, जिसके कारण से आपको मैं बता दूं कि सूर्य देव आपके शरीर को बड़ा बलिष्ठ, मजबूत, ताकतवर बनाने का प्रयास करेंगे। सूर्य देव की ऐसी मंशा रहेगी कि वो आपको बहुत ही मजबूती प्रदान करें, शरीर में उस बल का, ऊर्जा का एहसास कराएं, जिसके माध्यम से आप कोई भी काम करने के लिए सक्षम हो। इस शरीर को लेकर के आप कमजोर ना पड़ो, इस शरीर को लेकर के आप पीछे ना हटो, ये सूर्य देव का जो है सो प्रयास रहेगा। देवी और सज्जनों, मैं आपको बता दूं कि ये जो पहला भाव है आपके शरीर के साथ साथ आपके रंग का भी होता है। इस समय में चेहरे का रंग और रूप दोनों बड़ी मनमोहक, सुंदर, आकर्षित करने वाला दिखेगा, जिसको देख करके ही अच्छे अच्छे लोग आकर्षित हो जाएंगे। आपके व्यक्तित्व को, पर्सनालिटी को सूर्यदेव इतना स्ट्रांग कर देंगे इसके लिए 15 मई के बाद कि आपको ऐसा लगेगा, कहीं बैठोगे तो लगेगा कि हाँ मैं भी कोई हूँ, मैं भी कुछ हूँ। ये आपको ऐसा अपने आप अंदर से फीलिंग आएगा। क्यों? क्योंकि सूर्यदेव आपके घर के प्रथम भाव में आ गए। देवी और सज्जनों, ये जो पहला भाव है आपके शरीर के आकृति का भी होता है, यानी कि शेप एंड साइज का। सूर्यदेव की कृपा से, सूर्यदेव के कारण आपके शरीर का शेप साइज बड़ा ही सुंदर और सुडौल दिखेगा। शरीर आपका बहुत ही अच्छा और मनमोहक और आकर्षक दिखेगा। ये जो पहला भाव है देवी और सज्जनों, आपके ज्ञान का भी होता है। सूर्यदेव का मस्तक पर में बैठना, ग्रहराज का मस्तक पर में बैठना, बजरंगबली के गुरु जो सूर्यदेव हैं उनका मस्तक पर में बैठने का अर्थ ही है कि ज्ञान चक्षु खुल जाना, ज्ञान में बहुत वृद्धि हो जाना। ज्ञान की वृद्धि के कारण जो है सो आपको ऐसा महसूस होगा, ऐसा लगेगा कि आपका ज्ञान कुछ अलग साइड से, कुछ अलग एंगल से, कुछ अलग आभा आपके अंदर महसूस होगी, और लोगों का जो नजरिया है उससे विशेष नजरिया, विशेष तौर पर में आप अपना पेश करेंगे, जिसके कारण से आपका एक अलग मान सम्मान प्रतिष्ठा जो है सो वृद्धि होगी आपकी, क्योंकि नजरिया का ही सारा खेल है। आपके पास में नजरिया कितनी स्ट्रांग है, आप कितना ज्यादा मजबूती से किसी चीज को देख पाते हैं, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। तो देवी और सज्जनों, ये आपके लिए बड़ा जरूरी है। उसके बाद ये जो पहला भाव है आपके बल का भी होता है। बल यानी कि ताकत। कहते हैं कि आज के समय में ही नहीं, शुरू से ही धर्म की रक्षा के लिए भी बल की आवश्यकता है। धर्म की रक्षा के लिए आपके लिए ताकत की आवश्यकता है। अगर आप आज के समय में धर्म का भी कोई कार्य करना चाहते हो, पुण्य भी करना चाहते हो, कोई तीर्थ भी करना चाहते हो, तब भी आपको शरीर में अगर बल नहीं है तो आप पहाड़ पर पे चढ़ करके वैष्णो देवी का दर्शन करने के लिए आप नहीं जा सकते, बल की जरूरत वहां भी। अगर बल नहीं है तो आज आप दिन भर उपवास करके आप व्रत नहीं कर सकते। अगर आज आप किसी प्रकार का पूजा पाठ करना चाहते हो, आपके पास में धन नहीं है तो धर्म का भी काम आप नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि किसी दुकान में जाओगे सामान लेने के लिए, पूजा पाठ करने के लिए, आपको वो कभी फ्री में नहीं देगा। किसी ब्राह्मण को बोलोगे कि मुझे इस धर्म का काम करना है, वो आपको फ्री में नहीं कराएंगे। क्यों? सबको मजदूरी चाहिए, सबका रोजी रोटी है, सबका व्यवस्था है, हर कोई उसी पर में डिपेंडेंट है, क्योंकि आप भी किसी का काम फ्री में नहीं करते हो। ऐसा नहीं है कि आज आप बहुत दुख में हो
तो ब्राह्मण देवता को बोलो कि आज मैं बहुत दुख में हूँ, आज आप मुझे इतने पर में ही कल्याण कर दीजिए, इतना दक्षिणा लेकर के ही मेरी पूजा करा दीजिए। क्या आपने जब सुख में थे तो आपने ब्राह्मण देवता की मदद की थी, आप क्या ब्राह्मण देवता को जाकर के आज जो 5 पैसा आप दक्षिणा में दे रहे हो, पहले 25 पैसा जाकर के दे आए हो? अगर आप नहीं दे आए हो तो आपका कोई हक नहीं है, कोई अधिकार नहीं है ये कहने का कि अभी मैं बहुत गरीबी में हूँ, परेशानी में हूँ, आप मुझे 5 पैसा 2 पैसा 5 रुपया लेकर के ही काम कर दो। अगर उनका 10 रुपया दक्षिणा है, 10 रुपया चार्ज है, उनके ज्ञान की कीमत देने की हमारे पास में शक्ति नहीं है। मैं नहीं दे सकता किसी ब्राह्मण वैदिक के ज्ञान की कीमत, किसी ज्योतिष के ज्ञान की कीमत, लेकिन उन्होंने जो अपने ज्ञान का मूल्य कुछ निर्धारण अपने परिवार को चलाने के लिए कर रखा है, कम से कम उतना तो देना पड़ेगा। लोग कहते हैं कि अभी मैं बड़ी तकलीफ में हूं, आप यही 5 रुपया लेकर के मेरा काम कर दो। अरे भाई, जब तुम तकलीफ में नहीं थे, जब तुम्हारे पास में 5 रुपये के बदले 50 रुपये आ रहे थे डेली, क्या तुमने हमारे पास में एक दिन भी 50 रुपये आकर के जमा किया? अगर जमा नहीं किया, तुम्हारे पास कोई अधिकार नहीं है इसका कि तुम ये बोलो कि मेरा आज काम आप 5 रुपये में कर दो, नहीं है अधिकार। इसीलिए इस समय में ही नहीं, आदिकाल से ही, शुरू से ही धर्म का काम करने के लिए भी बल और धन दोनों की आवश्यकता है, और इस समय में आपको धन भी मिलेगा और बल की भी प्राप्ति होगी। ये जो पहला भाव है देवी और सज्जनों, आपके मस्तिष्क का होता है तो बुद्धि विवेक तो बढ़ेगी ही, दिमाग बड़ा तेजी से स्ट्रांगली किसी भी निर्णय को लेने में सक्षम होगा। आपको मैं बता दूं कि आपको विवेक का सहारा मिलेगा, विवेक आपका साथ देगा, आपका शील स्वभाव जो है सो बहुत अच्छा रहेगा। गर्व करने लायक, इस समय में काम करने योग्य सूर्यदेव आपको बनाएंगे, कुछ न कुछ 15 मई के बाद अवश्य आपके हाथों से करवाएंगे। काम छोटा हो बड़ा हो उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको अपने आप पे गर्व होगा, अथवा आपके परिवार वालों को भी आप पर में गर्व होगा। काम छोटा हो बड़ा हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको देवी और सज्जनों में बता दूं कि विनम्रता में कुछ कमी देखने को मिलेगी, ये जो पहला भाव है विनम्रता का भी होता है, तो आपके विनम्रता में कुछ कमी देखने को निश्चित तौर पर में मिलेगी, क्योंकि सूर्यदेव विनम्र नहीं है, वो आग है, क्रूर है, क्रोधी है वो, तो विनम्रता में कुछ कमी और दिमाग आपका थोड़ा गर्म देखने को मिलेगा। 15 मई के बाद गुस्से में थोड़ा ज़्यादा रहोगे, किसी को डांट दोगे, कुछ कह दोगे, मूड ऑफ वाली जो बात होती है वो थोड़ा ज़्यादा आपको परेशान करेगा। सूर्य की 7वीं दृष्टि देवी और सज्जनों यहाँ से यहाँ पर में सप्तम भाव पर में पड़ेंगे। 7वां भाव आपके विवाह का होता है, जिस किसी भी व्यक्ति का विवाह नहीं हुआ है और अगर वो विवाह को लेकर के इच्छुक है, लालायित है, प्लानिंग है कि अब विवाह किया जाए, जन्म कुंडली में भी योग बन रहे होंगे, तो यहाँ से गोचर कुंडली में सूर्यदेव पूर्ण रूप से योग बना रहे हैं, पूर्ण रूप से सपोर्ट में उसके आ जाएंगे और उसको विवाह करवाने का कोई ना कोई रास्ता खोज के देंगे। या तो विवाह के लिए चर्चा शुरू होगी, अथवा या तो विवाह के लिए चर्चा शुरू होगी, या आपका विवाह संपन्न होगा, अथवा कहीं पे बातचीत चल रही है तो वो फाइनल होगी। लेकिन जिनका विवाह पहले से ही हो चुका है, उनको मैं बता दूं कि उनको वैवाहिक जीवन के सुख भोगने का आनंद प्राप्त होगा, उनको वैवाहिक जीवन का सुख प्राप्त होगा। ऐसा क्यों होगा? ये सूर्यदेव की महिमा है। आपको मैं बता दूं कि ये जो 7वां भाव है देवी और सज्जनों, आपके काम और वासना की भी होती है। सूर्यदेव के कारण इस समय में आपका काम की जो इच्छा है वो भी पूरी होगी, वासना भी पूरा होगा, काम इच्छा आपकी जो है पूर्ण रूप से पूरी होगी और आपके लिए सूर्यदेव उसकी व्यवस्था करवाएंगे।
ये जो सातवां भाव है देवी और सज्जनों, आपके दैनिक रोजगार और व्यवसाय का भी होता है, जिसके कारण से इस समय में आप अनुभव करोगे कि आपका दैनिक रोजगार व्यवसाय भी बहुत ही अच्छा और बढ़िया चलेगा, बहुत अच्छा रहेगा, बढ़िया चलेगा, कहीं से कोई दोराय की बात नहीं रहेगी। अगर 500 रुपए की इनकम पहले हो रही थी 15 मई से पहले, तो 15 मई के बाद वो 600, 700, 800 वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। उसका रिजल्ट आपको पॉजिटिव अपने पक्ष में मिलना शुरू हो जाएगा, दिखाई देने लगेगा। ये जो सातवां भाव है आपके लिंग का, योनि का, अंडकोश का भी होता है। अगर आपको लिंग, योनि अथवा अंडकोश से संबंधित किसी प्रकार की भी परेशानी है, तो सूर्य देव की दृष्टि के कारण उसमें भी राहत देखने को मिलेगा। दुश्मन जो होगा, प्रत्यक्ष शत्रु, उसके कलेजे में इतना ताकत नहीं होगी कि इस समय में आकर के आपसे टकरा सके, आपसे आकर के नजर मिला सके। कलेजा उसका अलाउ ही नहीं करेगा, हिम्मत ही नहीं उसकी अलाउ करेगी। ऐसा क्यों होगा? ये सूर्यदेव के कारण है। देवी और सज्जनों, आपका अगर पार्टनरशिप में किसी के साथ कोई बिजनेस, कोई काम धंधा चल रहा है, तो वो भी इस समय में मिला जुला करके ठीक चले। सूर्यदेव आपके कुंडली के चौथे भाव के मालिक हैं, तो 15 मई के बाद जो है सो आपके सुख में भी वृद्धि का योग बनेगा, माता से भी सुख की प्राप्ति का योग बनेगा। जमीन, मकान, गाड़ी, अचल संपत्ति, इन सब के भी सुख का योग बनेगा। अनएक्सपेक्टेड धन लाभ का भी आपके लिए योग बनेगा। ये सब सूर्य का प्रभाव है। जिस किसी भी व्यक्ति को छाती, हृदय, फेफड़े से संबंधित किसी भी प्रकार की परेशानी है, वो भी इस समय में राहत महसूस करेंगे। अगर आप मकान बनाने की इच्छा लंबे समय से पाल करके रखे हुए हो और वो पूरा नहीं हो पा रहा है, तो 15 मई के बाद प्रयास करो, थोड़ा जोर शोर से प्रयास करो, क्योंकि सब कुछ अगर भाग्य पे छोड़ दोगे तब दिक्कत हो जाएगी। अगर खुद भी प्रयास करोगे तो थोड़ा सा आपको ज़्यादा इफेक्ट मिलेगा, ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा। कहते हैं कि कर्म रेखा से 50% तक भाग्य रेखा को बदला जा सकता है, चेंज किया। 100% तो क्षमता नहीं है, लेकिन 50% तक ऐसा क्षमता है, ऐसा विधान है कि आप बदल सकते हो। तो 50% अगर मान लो कि आपके ग्रह का सपोर्ट मिल रहा है और 50% आपने अपना जोर लगा दिया, तो हो गए ना 100%, आपने ले लिया ना रिजल्ट 100% का। तो इसीलिए आपको थोड़ा सा खुद भी परिश्रम, मेहनत करना पड़ेगा। पूर्ण रूप से ग्रह पर में, भाग्य पर में डिपेंड रहना आपके लिए ठीक नहीं है। देवी और सज्जनों, हो सकता है मकान बनाने का विचार लंबे समय से चल रहा हो, इस समय में उसको फाइनल कर सकते हो। जमीन खरीदने का योग बन सकता है, अचल संपत्ति की सुख की प्राप्ति हो सकती है, अथवा गाड़ी का भी, वाहन का भी सुख आपको मिल सकता है। ये सब सूर्य का प्रभाव है। तो सूर्य के लिए 15 मई से पहले पहले तो उपाय करने की आवश्यकता है, लेकिन 15 मई के बाद सूर्य के लिए किसी भी प्रकार के उपाय को करने की आवश्यकता नहीं है। तो देवी और सज्जनों, यही था आपका राशिफल। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये विस्तृत राशिफल, ये अच्छा राशिफल, सुंदर राशिफल, जो करवा सच था उससे भी अवगत करवाया, जो अच्छा था उसको भी बताया, जो बुरा था उसको भी बताया, आपको आईना दिखाने की कोशिश की। लेकिन आप ये कभी ना भूलें कि ये केवल गोचर कुंडली है, मूल जन्म कुंडली पर में ही फलादेश 100% सच साबित हो सकता है। गोचर कुंडली पर में 100% कभी भी फलादेश सच साबित नहीं है। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपने अभी तक लास्ट तक इस वीडियो को देखा है, तो कमेंट करके जरूर बताएं, गुरुजी हमने इस वीडियो को लास्ट तक सुना है। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद। वंदे मातरम। बोलिए राधे राधे।